हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। बहुत दुखी लग रहे हैं ना, मतलब हम बहुत दुख लग रहे हैं आज। इसलिए दुख लग रहे हैं क्योंकि हम लोग उसमें इंटरनेट नहीं है ना, सीजो में डिस्ट्रिक्ट इंटरनेट नहीं है। 2018 को हम लोग को डिस्ट्रिक्ट बन गया। अभी लग कि ना 18, 19, 20, 21 खत्म, 4 साल देर इज नो इंटरनेट। और हम दुख इस बात का है ना, हम लोग देखो, हम तो बाहर में, अभी हम दिल्ली में, हम अपना लाइफ को पूरा इंजॉय कर, पूरा अभी हम अपने इंटरनेट फैसिलिटी को हम पूरा इंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यूट्यूब में जाके ब्लॉग्स बना रहे हैं, फेसबुक में सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी सोशल चेंजेस में, कुछ भी सोशल मूवमेंट में हम मेरा ये आइडियाज़ को बता रहे हैं। नहीं, हमको ये सब मिल रहा है। हम पूरा यहाँ से नागालैंड का दोस्त, मणिपुरी दोस्त, गुजरात का दोस्त सब हम बना सक रहे हैं। हम जो भी देखना चाहते हैं हम पूरा देख रहे हैं। हम पूरा जितना यूट्यूब है सब, और जितना इंटरनेट से हम, जितना भी हम क्या रिसोर्सेस हम ग्रैब कर सकते हैं, हम पूरा ग्रैब कर रहे हैं। पर दुख इस बात का है ना, हमारे वहाँ का जितना भी लोग है, जो अभी मेचुका में बैठता होगा, तातो में है, पीडी में होगा, मानिगों में है, उन लोग को इंटरनेट हासिल नहीं, उनको उसमें इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इट्स बीन 3 ईयर्स ब्रो, 3 ईयर्स हो गया ना। हम तो मतलब हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं उनसे, हम लोग वहाँ का लीडर्स लोग कहा गया है, और जितना भी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, ऑफिसर्स लोग कहा गया, एजुकेटेड आदमी कहा गया है, आवाज उतारने वाला कहा गया, मतलब सब थक गया कि आप लोग सब, मतलब हम इतना पढ़ा लिखा हो गया ना, और इतना पढ़ा लिखा हम पॉपुलेशन कितना है, 13 लाख है हम लोग, 13,000 है, अभी उससे प्लस हो रहे हैं। और अभी हम एजुकेटेड पीपल लोग अभी छोटा छोटा क्या बोलते ये टॉपिक पे आप इशू नहीं उठाएगा तो अभी कौन उठाएगा, अभी कौन अपना हमको छोटा भाई और बड़े लोग हम लोग रास्ता किसे दिखाएगा, मतलब लोग वैल्यू कैसे बताएगा कि इन क्या बोलते इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये पेंडेमिक में ही देख लो, इतना सारा लोग ना अपना सब बस्ती चला गया, अपना जो पढ़ने लिखने के बहुत सारा बुक से रहता है तो लोग को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, और कुछ तो जामे तो उसमें ही रहे। एग्जाम्पल हम दिल्ली में था तो हम दिल्ली में ही रहे, हम अपना बस्ती नहीं गया, हमें छुपा क्यों नहीं गया, क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं है, उसमें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं, तो हम कैसे पढ़ेगा, हमारे टॉपिक को सिलेबस हम कैसे कम्प्लीट करेगा, इसलिए हम नहीं है। जबकि हम बहुत जाने का मन होता है, हमें जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो नहीं हम उसके बहुत दुख लगते हैं ना। और दुख इस बात का है कि वहाँ में उनका बहुत सारे ये टैलेंटेड और बहुत स्किल्ड आदमी लोग हैं, बहुत अभी तो यूथ लोग हैं उसमें, वो लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। और यूट्यूब एक ऐसा जरिया होता है कि जहाँ में एक्सपोजर मिलता है आपको, आपका स्किल को आदमी देखे, आपको क्या तारीफ करते हैं, आपका मॉरल को बढ़ाता है, जिसमें अपना पैशन को फॉलो कर सकते हो। ये सब कहाँ से आता है, ये सब का सोर्स है इंटरनेट। तो इंटरनेट का बारे कोई किसी को अवेयर नहीं है, जो ऐसे भी इंटरनेट क्या आज का दुनिया में सबसे बड़ा वेपन है, सबसे पावरफुल वेपन है, टूल है, और इसको हम लोग का लोग सीओ में डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी को पता नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, अभी सब थम गया, सब रुक गया। आप लोग अभी ऐसे बैठेगा तो मतलब, और हम का डिस्ट्रिक्ट में और कितना सारा इशू है जिसको अभी तक अनसॉल्व है। जब हम उसके अंदर डाइव करेगा, जब हमको क्या बोलते हैं जितना छोटा छोटा इशू का अंदर डाइव कर, तब हमको पता चलेगा एक्चुअली हम कितना पीछे में हैं। लेकिन हम लोग सब इतना अच्छा है कि इतना इनोसेंट है कि हम लोग का सीओमी का वासियों ने बहुत इनोसेंट है, हम पता है आप लोग इनोसेंट है, लेकिन आप लोग के अंदर ये एक बोलने का एक कैपेसिटी होना चाहिए, एक वॉइस उठा सकने का, तो ये आप लोग अभी नहीं उठाएगा, 2-3 साल 10 साल के बाद भी हम ऐसे ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सब पावर वॉइस किस में होता है, जो एजुकेटेड है। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इतना अच्छा जगह में जी रहे हैं ना, इतना पढ़ रहे हैं, हमको पूरा एक्सेस मिल रहा है, इसको हम यूटिलाइज अभी नहीं कर रहे तो अभी कौन करेगा, कौन अभी हमका चौथा बच्चा, चौथा भाई बहन को कौन देखेगा, कौन आप लोग को बताएगा कि हाँ सीईओ में भी है, उसमें एक मेचुका है, तातो है, पीडी है, मानिगोंग है, ये सब को अभी कौन बताएगा, दुनिया कैसे जानेगा। हम लोग कल्चर जो अभी मेचुका में जो रहता है, बुखार, लुबो, रामो, तागिन, मेम्बा, ये सब का भी कौन जानेगा, मतलब इवन हम अरुणाचल में भी ऐसे होता है कि सिर्फ सीओमी को बोलने से मेचुका को जानते हैं, तातो कहा गया, मानिगोंग कहा गया, पीजी कहा गया, उसमें जितना सारे वो लोग सब कहा गया,
उसको कोई नहीं जानता है, और बस मेचकाओ भी जानता है वो टूरिज्म फेस्टिवल उसके लिए जानता है, और कुछ जानने के लिए है क्या उसमें? कौन आदमी बैठता है उसको कोई पता नहीं है। बस आदमी ये बोले मेचका बहुत अच्छा सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन क्यों जानते हैं उसको? क्योंकि प्रमोट किया है ना हम लोग, हम लोग MLA जो उसको प्रमोट किया, इंटरनेट सोर्स नहीं है आप लोग। हम लोग सब ऐसे हो गया कि अभी आग अंधा हो गया, मतलब हम लोग जितना भी जो अभी बस्ती में बैठ रहा है वो लोग को कुछ भी आइडिया नहीं अभी दुनिया में क्या चल रहा है। तो सोचो ना, हम लोग तो पढ़ लिख रहे, हम लोग पूरा लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं जो बाहर में बैठने वाला, लेकिन हम बहुत दुखी है ना। हम नहीं, हम सोने भी नहीं सकते कभी कभी ये सब सोच सोच के, हम क्यों दुखी है? मतलब हम तो एक्सेस, हमको जो भी मिला हमको पूरा मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है पूरा, सबसे बड़ा वेपन है हमको मिल रहा है, उसको हम पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जो बस्ती में बैठ रहा है, जो उसमें मेहनत कर रहा है, उनको कुछ आइडिया नहीं है इंटरनेट का वैल्यू का, उनको पता नहीं है। उन लोग सोच उनको एग्जाम उधर काम भी कर रहा होगा, उनको इंटरनेट का वैल्यू पता है, थोड़ा एजुकेटेड है, और इंटरनेट से सर्च करके जो भी चीज़ उनको काम पूरा मदद मदद करता है, और एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, हर चीज़ को इंटरनेट पूरा आसान बना दिया ना। और हम लोग एक कोई वॉइस उतारने वाला नहीं है हम लोग, हम पता नहीं हम अभी कैसे बताएगा हम लोग का जो Xiaomi का फ्यूचर, हम ब्राइट नहीं देख सक रहे हैं ना अभी। हम सीधा सीधी बोल रहे हैं, हम सीधा ब्राइट नहीं देख पा रहे हैं ना। कोई वॉइस उतारने वाला तारीख नहीं है, और इवन आधा लोग तो इतना तक भी पता नहीं है कि क्या हमें वॉइस उतारना है, यही यही तो रह गया ना। इसलिए तो सब अब साइलेंस है, टोटली साइलेंस है, हम इस तरह की सब कुछ भी नहीं हो रहा अभी। क्यों? मतलब आप लोग से सब, मतलब सब ब्लाइंड है क्या? हमको ये लग रहा है ना, हमको स्टूडेंट यूनियन लोग भी, मतलब स्टूडेंट यूनियन क्यों बने और बॉयस उतारो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है? बॉयस उतारो, और इतना ज़्यादा एनजीओ हो गया, कम से कम आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा उधर कम्युनिटी है, वो सब क्या है? सब आगंदा है क्या? मतलब अनपढ़ है क्या वो लोग? नहीं क्या? हम बहुत दुख लगते हैं ना अपने लिए नहीं, मतलब जो वहाँ का जो अभी Xiaomi में बैठ रहे हैं, जो अब इंटरनेट वो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग के लिए हम बहुत दुख लगते हैं ना। जिसका अंदर टैलेंट है, स्किल है, वो लोग सब इसे वेस्ट में जा रहे हैं बिकॉज हमको पास इंटरनेट नहीं है। इसलिए यही बताने के लिए था, इंडिया में फर्स्ट इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को आया था। 1995 ब्रो, कितना हो गया अभी ये, 70-80 ईयर्स हो गए इंटरनेट आ गया, और हम लोग का ये मेचुका में नहीं आए उसका। अभी हम मेचुका को छोड़ो ना, अभी मेचुका को जितना भी नाम का ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, सियांग है, वेस्ट सियांग है, अभी फिर से दापो दापो रिजोर्ट सियोम सर्कल है, थालिया लोग है, वो लोग को देखो, वो लोग सब इंटरनेट है, बस मेचुका में नहीं है। और इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन कहते हैं ना, उसमें इंटरनेट नहीं तो क्या फ़ायदा है? हम लोग कैसे शोकेस करेंगे कि हम लोग का कल्चर बहुत रिच है? हम एग्जाम्पल पर मेरा भोकाल कल्चर, उसका हम लोग बहुत रिच है, और मेरा लूबो कल्चर बहुत रिच है, और मेरा तहिन कल्चर बहुत रिच है, उसको अभी हम कैसे दिखाएगा? मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है, हम कुछ दिखाने का जगह नहीं है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे दिखाएगा। जब तक मेचुका में इंटरनेट नहीं आएगा तो हम लोग कुछ भी हमको कल्चर है सबको हम नहीं दिखा सके, दुनिया को नहीं बता सके कि हाँ हम लोग का में ऐसे होता है, हम लोग ऐसे सोचते हैं, हम ऐसे कहते हैं, हम लोग ऐसे बात करते हैं, कोई पता नहीं है तो इसलिए। और हम जितना भी तानी ब्रदर्स है अरुणाचल में, कोई भी पता नहीं कि बोकार कौन है, उसको पता नहीं है, बोरी बोखरा बोलते हैं, लेकिन बोरी हम हाँ भाई भाई जरूर है, लेकिन दूर दूर है हम लोग, एक एक डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेपरेट करते हैं, डायलेक्ट हम लोग को नहीं मिलता है, पता नहीं है हम लोग को, नहीं सब आदमी कैसे पता, तभी पता जब हम लोग इंटरनेट आएगा, जब हम लोग खुद को दुनिया को दिखाने स्टार्ट करेगा। और हम खुद को कैसे दिखाएंगे? जब तक इंटरनेट नहीं आएगा हम दिखाने नहीं सकेगा, हम शो किस नहीं कर सकेगा। और हाँ, और हम लोग उसमें विदाउट इंटरनेट नहीं, इसलिए हमको उसमें मीडिया भी नहीं है, मीडिया पर्सनल नहीं है, तो मीडिया पर्सनल नहीं तो वो भी बहुत रीजन। देखो मीडिया लोग ऐसे काम करता है कि और सोशल इशूज पे लेके बात करता है, और उनका भी उसमें नहीं आ सकेगा मीडिया, मीडिया लोग नहीं आ सके, इसलिए नहीं आ सके क्योंकि हम उसमें इंटरनेट नहीं है। और अभी वो टूरिज्म डेस्टिनेशन का होने से भी अभी उधर कोई आने का मन भी नहीं करेगा, इंटरनेट नहीं है तो उधर कौन आएगा? ये सोच के देखो ना, मतलब कौन उधर आने का मन करेगा? इंटरनेट नहीं है जब, और जो उसमें जो पढ़ा लिखा लोग होता है वो लोग इंटरनेट एक उनका डेली बेसिस में उनका एक दोस्त होती है, दबाई होता है उनको, हर समय दबाई चाहिए होता है, क्योंकि उन इंटरनेट से आजकल हम लोग इससे कनेक्ट हो गया, विदाउट इंटरनेट का हम एक दिन भी नहीं रह सकेगा, इससे हम कनेक्ट हो गया।
तो लोग सोचो ना, अभी इंटरनेट एक आजकल का मॉडर्न इंडिया का एक क्या बोलते हैं दवाई है ना, और ये दवाई आप लोग को नहीं मिल रहा है। जो हम लोग का जो सीओमी में जो बस्ती में भेजते हैं, वो लोग को कुछ भी पता नहीं है ये दवाई का असर क्या करता है। अपनी यहाँ से क्या बोलते हैं डेवलप होता है, ग्लोबलाइज होता है, कल्चर को जानता है, स्किल डेवलप होता है, अपनी यहाँ से लर्न करते हैं, टेक्टिक्स देखते हैं, एक अच्छा इंसान बनते हैं। और ये आज का जमाना में इंटरनेट हर जगह में, लिटरली हर एक मेजर बस्ती में है, टाउन में है, सिटी में है, लिटरली ऑल ओवर दुनिया में है बस। लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में नहीं है इंटरनेट, ये क्या है? हम लोग का इंसान मतलब सीओमी का लोग कैसे हैं? इतना शरीफ है, मतलब इतना अच्छा है कि हम लोग मतलब कि हाँ ऐसे ही जी लेगा। लेकिन अपना चौथा के लिए सोचो, जो इतना टैलेंटेड गाना अच्छे से गाता है उसके लिए सोचो। उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, माध्यम, उसको एक लर्न करने का जगह चाहिए, माध्यम। वो सब का सोर्स कहाँ से है? इंटरनेट। इंटरनेट आएगा तभी हर चीज़ एक्सेस होगा, तो नहीं है क्या? बहुत दुखी है ना उन लोग के लिए, हम दुखी है। और जो जो बिजनेस करते हैं, इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर अपना बिजनेस सब ये सब क्या होता है दिखा सकता है आदमी को, मेरे पास ये है, हम लोग इसमें ये कल्टिवेट होता है। या से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट तभी आदमी वहाँ से आके देखिएगा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम लेना है, तो इसको जो भी दुनिया से आदमी इसी और उसको आके टेक्स्ट कर कुछ भी करेगा, लिंक जैसे भी लेगा। तो नहीं, ये सब को एक्सपोजर देता है, जितना आपका बिजनेस एक्टिविटी टैलेंट इसकी जो भी हो ना, इंटरनेट ही एक माध्यम है जहाँ से जहाँ पे आप लिटरली हर चीज़ कर सकेगा। आप ऐप का डे टू डे आप जो जो टाइप करें उसमें आपको इंटरनेट मिल जाएगा। लेकिन दुख है ना जो बस्ती में बेचते हैं, अभी चल बस्ती भी नहीं बोल देगा, थोड़ा डेवलप हो चुका है, उन लोगों को अब एक्सेस करने का मौका नहीं मिल रहा है। उन लोगों का पास कुछ रीजन नहीं है। अभी जो है जो जिसका पास अभी वॉइस है, हम लोग हैं यूथ जो अभी हम एजुकेटेड हैं, और अभी हम लोग की वॉइस नहीं उतरेगा तो उनको सपोर्ट कौन देगा? हम लोग अपना भाई बहन को कैसे देखिएगा? अभी देखने वालों से कोई नहीं है, हम लोग देखना पड़ेगा। ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हम लोग ने देखा तो और कौन देखेगा? हम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। और हम इतना वीक, हम कभी नहीं सोचा था, हम तो कभी खुद को इतना वीक नहीं मानते हैं ना, और ना ही अपना सीओमी का वासियों को मानते हैं। हम पता है आप सब में वो टैलेंट है, वो सब आपका अंदर सभी बहुत भ्रष्ट है, लेकिन वो भ्रष्ट को सही वे से निकालो ना, एकदम सही वे से, एकदम सोच के, अच्छा सोच के। अभी हम अपना भाई बहन के लिए नहीं सोचेगा तो और सोचने वाला नहीं है ना, क्योंकि हम लोग का जितना भी एल्डर्स लोग है कोई इसका जो इंटरनेट का टॉपिक में कोई बात नहीं करते, बस हम लोग ही रह गए हैं ना। तो अभी हम लोग का ये हक बनता है कि हम अपना जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, उसको हम लोग कम से कम एक इंटरनेट तो ला सकेगा, तो ला के देगा तो उनका लाइफ पूरा सेट हो जाएगा ना, कम से कम तो सेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट सबसे बड़ा वेपन है आज कल दुनिया में। तो हम आज का वीडियो इसलिए हम बनाया था ना कि मेरा जैसला आपका जैसला जो एजुकेटेड है, जो अच्छा है, जो सही सही चीज़ को पता है, जो इंटरनेट का वैल्यू पता है, हम बहुत सुधार सोचते हैं ना, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पर हमारे जो फ्यूचर है, जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए आप बहुत सोचता हो ना, क्योंकि वो सब जब एजुकेटेड होगा तब हमारा ये डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा तब हम अपना जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसको हम मदद कर सकेगा, और जब हम सभी को मदद करें हम सब एकजुट हो सकेगा। हम लोग को एक प्रॉब्लम निकालना है, अभी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं निकाल के हम कैसे बेहतर रहे तो नहीं होगा ना। अभी हम चौथा से चौथा चीज़ को भी नहीं छोड़ना है, हर चीज़ को वीडियो बनाना है, हर चीज़ को वॉइस उठाना है, बात उठाना है, डिबेट करना है, तभी हम लोग ये चौथा से डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत अच्छा सुंदर होगा ना, जिसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा। और ये अप्रिशिएट इसलिए टाइम पास से नहीं आएगा, ये सब मेहनत है, अच्छा चीज़ करने में बहुत तब आता है, बहुत तकलीफ होता है, खराब चीज़ करने में 1 सेकेंड नहीं लगता है। तो आप सोचो ना, ये हम लोग का खून पसीना से कुछ साल में बनेगा, ये खून पसीना हम लोग अभी मेहनत करेगा तब होगा ना। अब भी हम अप्रोच दिखाना पड़ेगा, अब भी हम वॉइस उठाना पड़ेगा, अभी हम डिबेट करना पड़ेगा कि हमको क्या ज़रूरत है हमको सीओमी में। तो अभी आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम लोग ऐसे एजुकेटेड आदमी कर सकते हैं, और जो नहीं है जो सोसाइटी के हित में सोचते हैं वो कर सकते हैं। हम लोग का जो इसमें सीओमी में जो बेचता है उसके सब जो बस्ती में है बहुत दुखी दुखी हम उसके लिए, वो लोग कुछ भी ये सब नहीं मिल रहे ना,
तो हम यही चाहते हैं, मतलब जो जितना भी पढ़ लिखने वाले जो जो एजुकेटेड है आप लोग नहीं किया, इसलिए चीज़ में बोझ सुता हूँ ना, आप लोग आदमी को भी हेल्प करो, हाँ जरूर हेल्प करो लेकिन जो चीज़ प्रिवेल है, जिस जो चीज़ बहुत ज़रूरत है उसको उसमें ज़्यादा काम करो ना, उसमें ज़्यादा इनिशिएट लो ना। इतना ही था मेरे लिए, थैंक यू सो मच।